आप अन्याय समझ रहे हैं कि जिसने पार्लियामेंट के अटैक के लिए एक्सेस दिया, जिसने परमिशन दिया कि जाओ पार्लियामेंट में जाओ, वो सस्पेंड नहीं हुआ है, बट जिसने ये सवाल पूछा हाँ वो सस्पेंड हो गया। आप गहराई को आप समझिए कितनी बड़ी होता। पगड़ी पहना हुआ अपना उनकी जो शान होती है, अगर वो टर्बन पहन के अगर सिख होता, अगर कोई मुसलमान होता और उसके नाम अमोल शिंदे जो महाराष्ट्र से थे, नीलम जो हरियाणा से थी, अगर ये नीलम के बदली कोई नवेद होती या अमजद होता या गुल खान होता, तो आप समझ रहे हैं आज क्या होता। आज उस पार्लियामेंट में एक ही चीज़ बार बार दोहराया जाता, उसकी क्लिपिंग आती, क्लिपिंग के बाद ये दिखाया जाता कि कहीं ना कहीं आप लश्करे तोयबा से कनेक्टेड है ना। ये सारी क्लिपिंग में सिर्फ यही बात होती कि चार आतंकवादी पार्लियामेंट के अंदर पकड़े गए। अगर सिख होता तो खालिस्तान की एंगल दी जाती, मुसलमान होता तो लश्करे तोयबा की एंगल दी जाती। मेरा कोई भी, मेरे सारे भाई 50 करोड़ की आबादी से पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये चार मुसलमान होते आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या होता। अच्छा एक बात बताइए, क्या होता, ये एंगल कहाँ जाता? ये कहाँ जाता? ओसामा बिन लादेन के खानदान, अफगानिस्तान के लोग, पाकिस्तान के चोर। मुझे पाकिस्तान मेरी जूती में, अफगानिस्तान मेरी जूती से, कौन है ये लोग? हमने इस देश को चुना था, हमारे ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप बाहर के लोग हैं। सिक्योरिटी लैब्स कहाँ हुई, मैं आपको बता रहा हूँ। सिक्योरिटी लैब्स इन चार लोगों की वजह से नहीं हुई। सिक्योरिटी लैब्स तब होती कि अगर कोई दाढ़ी वाला दिखता। सिक्योरिटी लैब्स भारत में तब होती है जब कोई बकरी का गोश्त खाता है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तुम गाय का गोश्त खाए हो। सिक्योरिटी लैब्स आपके कुर्ते पजामा से होता है। सिक्योरिटी लैब्स बाहर में जुमे की नमाज पढ़ने वक्त जब रास्ते में लोग आ जाते हैं तब सिक्योरिटी लैब्स होता है, मगर पार्लियामेंट में जब अटैक होता है वो सिक्योरिटी लैब्स नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है चूक हुई, भूल हुआ है। और बीजेपी कितनी अच्छी बात की है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब 2024 में बीजेपी आपसे वोट मांगने आएगी आप उनसे पूछिएगा, क्योंकि उन्होंने ये रिटर्न में लिखा है कि ये जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ है इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, पार्लियामेंट की अपनी एक सेक्रेटरीट सिक्योरिटी होती है, वो उनके जिम्मा में। तो आप याद रखिएगा, जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, पीयूष गोयल, ये जितने लोग जब आपके पास आएंगे, आप इनसे पूछिएगा कि हम आपको जब वोट देंगे तो आप ये भी बता दीजिएगा किस किस डिपार्टमेंट में आप हमें बचा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट के बाद अगर एयरपोर्ट में कल ब्लास्ट हो या कहीं पर भी हो, खुदा ना खास्ता, तो बीजेपी ये आके ना कहे भैया ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कुछ अलग सिक्योरिटी के हाथ में है, ये जो हुआ ये हमारे हाथ में नहीं था, ये किसी और डिपार्टमेंट के हाथ में था, मगर दिया, आपने साइन किया। ये ज्यादा क्रिमिनलिटी है कि फोटो कोई आके फोटो बॉम्ब कर दिया, वो क्रिमिनलिटी है। वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ? मैं बार बार कल भी एक न्यूज चैनल में ये कह रहा था, 150 करोड़ पीपल इज एट स्टेक। वो लोग स्टेक में है, उनकी सिक्योरिटी स्टेक में है, ठीक है, हम और आप सेफ नहीं है। क्योंकि अगर पार्लियामेंट में खुलेआम सेशन के दौरान अगर दो लोग अंदर में अपने जूते के अंदर गैस कैनिस्टर छुपा कर घुस सकते हैं, तो कोई आरडीएच भी लेके जा सकते थे, कुछ भी पॉइजन गैस भी लेके जा सकते थे, एक एटॉमिक बॉम्ब के डिटोनेटर भी लेके जा सकते थे, जहां वो पूरे पार्लियामेंट को अपने घुटने में ला देते और इंडिया को सीज करने के लिए बोलते और बहुत सारी अपनी मनमानी करवाते। इट्स नॉट अ जोक। आप कैसे बोल रहे हैं कि बहुत आम बात है, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए? आप बात सुनिए, मैं वापस से कहूंगा, क्योंकि इसी बात में बहस हुई थी कल नेशनल मीडिया में कि भाई ये बहुत छोटी सी बात है, हाँ कुछ भी हो सकता था, आपके लोग के साथ तो उनका फोटो है, आप उठा लीजिए। आपने ललित झा को अरेस्ट किया, आप ललित झा का स्टेटमेंट लाइए, ललित झा को बोलने के लिए बोलिए, तापस राय ने बोला था अटैक करने के लिए, तापस राय ने साफ साफ कहा अमित मालविया को, वो एक अलग पागल आदमी है, ठीक है, वो सही में पागल हो चुका है, उसके ऊपर तो केस किया जाएगा। तापस राय ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि उसके ऊपर केस किया जाएगा अगर वो प्रूव नहीं कर सका तो। ये ओपन चैलेंज है हमारा कि अगर अमित मालविया ये प्रूव नहीं कर सका तो उसके ऊपर केस होगा, मानहानि का दावा किया जाएगा। तापस राय की गिरफ्तारी अगर होगी तो? नहीं, तो अगर तापस राय कहीं से, अगर कहीं से भी इन्वॉल्व दिखते हैं आपको, अगर सच में अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो आप क्यों छोड़िएगा? पार्लियामेंट में अटैक भाजपा कांग्रेस के ऊपर नहीं हुआ है, टीएमसी के ऊपर नहीं हुआ है, पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ है वो देश के ऊपर अटैक है, 150 करोड़ की आबादी के ऊपर अटैक है। आप लोग सीरियस नहीं हो रहे इस चीज को लेकर, आप लोग को मजाक लग रहा है। और टीएमसी जब ये बात उठाने के लिए गई, डेरेक ओब्रायन ने इस बात को उठाया, वो अनहट थे, उनके बात सुनने को कोई तैयार नहीं होने वाला था, तब उन्होंने चिल्ला चिल्ली किया अंदर में। स्पीकर जितना गुस्सा डेरेक ओब्रायन के ऊपर निकाल रहे थे, अगर वो उतना गुस्सा प्रतीक के ऊपर निकालते तो उसको सस्पेंड, देखिए इंक्वायरी के बाद प्रतीक को आप वापस ले आते। आपने महुआ मोहित्रा को सस्पेंड किया लॉगिन आईडी पासवर्ड के वजह से, आपने डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया कि आप पार्लियामेंट में रकस कर रहे थे। अरे भैया, वो देश की आवाज उठा रहे थे, कोई तो बंदा कल निकला कि देश की आवाज उठा रहा था, तृणमूल कांग्रेस देश के सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रही थी, स्पीकर से जवाब मांग रही थी, स्पीकर तैश में आके सस्पेंड कर दिए। भाजपा के जब भी कोई प्रभारी यहाँ बने हैं, जब भी कोई प्रेसिडेंट बना है, या जो जिम्मेदार जो यहाँ पर जब भी कोई बना है, वो दिमागी तौर पर माजूर बना है। मुझे मतलब मेंटली मुझे हैंडीकैप लगता है, आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए, उम्र में बड़े हैं, बट मुझे दिमागी तौर पर माजूर इसलिए लगते हैं क्योंकि इनके पास कोई हाथ पैर नहीं है। पहले दिलीप घोष भी ऐसी बातें करते थे कि चमड़ा उखाड़ देंगे, चमड़ा उतार देंगे, मार मार के टीएमसी वालों का।
आज वो है नहीं जिम्मेदारी से, उसको हटा दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय कुछ दिन के लिए आए थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी ऐसी गुफ्तगु की थी, उनको भी हटा दिया गया है। ये नया नया अभी आया है, डॉक्टर है, मुझे ऐसे इंसान ठीक ही लगता है, पर कभी कभी तैश में आ जाता है यार। नेशनल न्यूज़ में बैठ रहा हूँ मैं, हाँ हुआ है, गैस के बदली RDS हो सकता है, मैं उसका प्रूफ दे दूंगा, ये बोलिए वो। मैंने उनसे कहा था कि आप समझिए कि पार्लियामेंट में कोई 4 व्यक्ति, 2 व्यक्ति बाहर, 2 व्यक्ति इधर, कुल मिला के 5-6 व्यक्ति थे, ठीक है, 2 व्यक्ति अंदर आ गया। आज एयरपोर्ट में आप सिक्का लेके नहीं घुस सकते हैं सिक्योरिटी चेक में। पार्लियामेंट में जो हजारों करोड़ का खर्चा हुआ है, बंगाल के गरीब का हाई लगा है उस पार्लियामेंट में, आपने बंगाल के लोगों का मनरेगा, 100 डेज विधवा भाटा आपने सब रोका था, उसके बाद जाके आपने ये पार्लियामेंट बनाया, तो कहीं ना कहीं ये बंगाल का एक हाई भी है, कर्ज है गरीबों का, कि ये इनके साथ जो हुआ है पार्लियामेंट में नहीं, ये भाजपा गवर्नमेंट के ऊपर। सभा के स्पीकर हैं, हाथ जोड़कर मैं विनती कर माफ़ी मांग कर मैं कह रहा हूँ, सर आप गलत कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ऊपर में भगवान बैठा, आप याद रखिएगा, हिटलर भी चला गया, सिकंदर भी चला गया, जो जो लोग थे, बाबर भी चला गया, जिस जिसने अपने ऊपर गुरूर किया, अपने ऊपर प्राउडीनेस लाया, अपने ऊपर एयर लाया, अपने ऊपर घमंड लाया, वो मिट्टी में मिल चुका है सर। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप स्पीकर। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। 13 दिसंबर के बाद जो है पूरे देश भर में जो एक नया माहौल बन गया, जिस तरह से 13 दिसंबर को लोकसभा के अंदर लोग दाखिल होते हैं और सिक्योरिटी में एक बड़ी चूक होती है, उसके बाद जो है जो कुछ होता है वो देखते हैं। उसके बाद जो है 14 तारीख को ओम बिरला जो लोकसभा के माननीय स्पीकर हैं, उन्होंने 15 लोगों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें जो है कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस तमाम लोग शामिल थे, तमाम जो है पार्टियों के जो है सांसद शामिल थे। और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने लेटर लिखा है तमाम सांसदों को और कहा है आप इसको इशू ना बनाएं, इस पर जो है हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। मगर अफसोसजनक है, जो प्रताप सिम्हा जी जिन्होंने पास दिए तो उनको सस्पेंड नहीं किया गया, मगर डेरिक ओब्रियन को कर दिया गया, और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोकसभा के राज्यसभा के सांसद हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता तौसीफ रहमान जी है। अफसोसजनक ये भी है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उसमें एक जो है ललित झा बोलकर एक जो है आदमी है जो गिरफ्तार हुआ इस पूरे जो है पार्लियामेंट के घटनाक्रम में, उसके लेकर जो है ये शुरू हो गया है कि बीजेपी ने कहा है कि वो तृणमूल कांग्रेस का आदमी, और पश्चिम बंगाल के सुकंतो मजुमदार जो अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कहने से या तृणमूल कांग्रेस के बोलने से ये तमाम तरह का जो भगदड़ जो है लोकसभा में वो हुआ। तौसीफ भाई, आप लोग जिम्मेदार है लोकसभा में जो भी उतल पुतल हमला हुआ, ये भाजपा का कहना है? देखिए, मसला ये है कि भाजपा के जब भी कोई प्रभारी यहाँ बने हैं, जब भी कोई प्रेसिडेंट बना है, या जो जिम्मेदार जो यहाँ पर जब भी कोई बना है, वो दिमागी तौर पर माजूर बना है। मुझे मतलब मेंटली मुझे हैंडीकैप लगता है, आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, उम्र में बड़े हैं, बट मुझे दिमागी तौर पे माजूर इसलिए लगते हैं क्योंकि इनके पास कोई हाथ पैर नहीं है। पहले दिलीप घोष भी ऐसी बातें करते थे कि चमड़ा उखाड़ देंगे, चमड़ा उतार देंगे, मार मार के TMC वालों का, आज वो है नहीं जिम्मेदारी से, उसको हटा दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय कुछ दिन के लिए आए थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी ऐसी गुफ्तगू की थी, उनको भी हटा दिया गया है। ये नया नया अभी आया है, डॉक्टर है, मुझे ऐसे इंसान ठीक ही लगता है, पर कभी कभी तैश में आ जाता है, या इमेच्योरिटी कहीं कहीं होती है, तो कह देता है कि अरे भाई देखिए, ललित झा तो अरेस्ट हो गए, बात समझिएगा, ललित झा तो अरेस्ट हो गए। ललित झा कलकत्ता में कहीं रहते थे, बंगाल के किसी कोने में रहते थे, अब वो अरेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर वो कोई सोशल काम वगैरह भी करते थे, जो एक नेशनल न्यूज़ के तरफ से, मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं ये शेयर भी कर दूँगा, ठीक है, वही दिखा रहा था, न्यूज़ 18 में चल रहा था, वहीं से मुझे मालूमात हुआ ये। अब तो फ़ोटो जो है, अभी आप फ़र्ज़ कीजिए मैं आपका इंटरव्यू दे ले रहा हूँ, आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी मेरे पीछे से कोई फ़र्द आके खड़े होकर इंटरव्यू सुन ही सकता है, बाकायदा ऐसे होता है रोज़मर्रे में, ऐसे ही होता है जब मैं इंटरव्यू दे रहा होता हूँ तो भीड़ लग जाती है, लोग खड़े हो जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं और सुनने वाले खड़े भी हो जाते हैं। अब आप फ़र्ज़ कीजिए कल को कुछ हो, उस फ़र्द को आप मेरे पीछे सर्कल करके बोलिएगा तौसीफ रहमान के साथ ये दिखे गए, ये बहुत बड़ा एक प्रूव होता है कि आप पागल हो चुके हैं। अब रही बात सिम्हा की, जो भारतीय जनता दल पार्टी के जो MP हैं, वाई वी आर अटैकिंग हिम, अगर आप किसी को एंट्री पास देते हैं, समझिए, आपके व्यूअर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, आप किसी टॉम डिक एंड हैरी को पास, हाँ जाना सबका हक बनता है, पार्लियामेंट किसी के बाप का तो है नहीं, संविधान चलता है, एक डेमोक्रेसी की मंदिर है, ठीक है, जा सभी सकता है, मगर आपकी कुछ ना कुछ तो पहचान होनी चाहिए, ठीक है, पहचान थी,
एक अक्यूज की फैमिली ये कह रही है कि हम इनको अच्छे से जानते थे, हम इनके वोटर हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले भी हैं। तो आप जब सब जी जानते थे, पहचानते थे, तो आपको कभी इसकी मंशा समझ में नहीं आई। नेक्स्ट, पार्लियामेंट की रेकी की गई थी, ये अचानक से ये लोग नहीं आए थे, दो महीने तीन महीने पहले पार्लियामेंट की रेकी हुई है। रेकी मतलब जांच पड़ताल हुआ है, कहाँ कौन सा पिलर है, क्या है, नहीं है, ये सब कुछ को बकायदा लाया गया था। इसकी रेकी करने के बाद इन लोग ने अटैक किया। आप इतना हल्के में ले रहे हैं। कल भी एक न्यूज़ एंकर मुझे कह रही थी, हाँ हुआ है, नेशनल न्यूज़ में बैठ रहा हूँ मैं, हाँ हुआ है, गैस के बदली RDS हो सकता है, मैं उसका प्रूफ दे दूंगा, ये बोली है वो। मैंने उनसे कहा था कि आप समझिए कि पार्लियामेंट में कोई चार व्यक्ति, दो व्यक्ति बाहर, दो व्यक्ति इधर, कुल मिला के पाँच छः व्यक्ति थे, ठीक है, दो व्यक्ति अंदर आ गया। आज एयरपोर्ट में आप सिक्का लेके नहीं घुस सकते हैं सिक्योरिटी चेक में। पार्लियामेंट में जो हज़ारों करोड़ का खर्चा हुआ है, बंगाल के गरीब का हाई लगा है उस पार्लियामेंट में, आपने बंगाल के लोगों का मनरेगा, 100 डेज, विधवा भाटा, आपने सब रोका था, उसके बाद जाके आपने ये पार्लियामेंट बनाया। तो कहीं ना कहीं ये बंगाल का एक हाई भी है, कर्ज है गरीबों का कि इनके साथ जो हुआ है, पार्लियामेंट में नहीं, ये भाजपा गवर्नमेंट के ऊपर। सुनिए, अब आपने जो ये पास दिया, आपने साइन किया, ये ज्यादा क्रिमिनलिटी है कि फोटो कोई आके फोटो बॉम्ब कर दिया, वो क्रिमिनलिटी है? वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ? मैं बार बार कल भी एक न्यूज चैनल में ये कह रहा था, 150 करोड़ पीपल इज एट स्टेक। वो लोग स्टेक में हैं, उनकी सिक्योरिटी स्टेक में है, ठीक है, हम और आप सेफ नहीं हैं। क्योंकि अगर पार्लियामेंट में खुलेआम सेशन के दौरान अगर दो लोग अंदर में अपने जूते के अंदर गैस कैनिस्टर छुपा कर घुस सकते हैं, तो कोई RDS भी लेके जा सकते थे, कुछ भी, पॉइजन गैस भी लेके जा सकते थे, एक एटॉमिक बॉम्ब के डिटोनेटर भी लेके जा सकते थे, जहां वो पूरे पार्लियामेंट को अपने घुटने में ला देते और इंडिया को सीज करने के लिए बोलते और बहुत सारी अपनी मनमानी करवाते हैं। इट्स नॉट अ जोक। आप कैसे बोल रहे हैं कि बहुत आम बात है, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए? आप बात सुनिए, मैं वापस से कहूंगा, क्योंकि इसी बात में बहस हुई थी कल नेशनल मीडिया में कि भाई ये बहुत छोटी सी बात है, हाँ कुछ भी हो सकता था, आपके लोग के साथ तो उनका फोटो है, आप उठा लीजिए। आपने ललित झा को अरेस्ट किया, आप ललित झा का स्टेटमेंट लाइए। ललित झा को बोलने के लिए बोलिए, तापस राय ने बोला था अटैक करने के लिए, तापस राय ने साफ साफ कहा अमित मालविया को, वो एक अलग पागल आदमी है, ठीक है, वो सही में पागल हो चुका है, उसके ऊपर तो केस किया जाएगा। तापस राय ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि उसके ऊपर केस किया जाएगा अगर वो प्रूव नहीं कर सका तो। ये ओपन चैलेंज है हमारा कि अगर अमित मालविया ये प्रूव नहीं कर सका तो उसके ऊपर केस होगा, मानहानि का दावा किया जाएगा। तापस राय की गिरफ्तारी अगर होगी तो? नहीं, तो अगर तापस राय कहीं से भी इन्वॉल्व दिखते हैं आपको, अगर सच में अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो आप क्यों छोड़िएगा? भाई पार्लियामेंट में अटैक भाजपा कांग्रेस के ऊपर नहीं हुआ है, TMC के ऊपर नहीं हुआ है, पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ है वो देश के ऊपर अटैक है, 150 करोड़ की आबादी के ऊपर अटैक है। आप लोग सीरियस नहीं हो रहे इस चीज़ को लेके, आप लोग को मजाक लग रहा है। और TMC जब ये बात उठाने के लिए गई, डेरेक ओब्रायन ने इस बात को उठाया, वो अनहट थे, उनके बात सुनने को कोई तैयार नहीं होने वाला था, तब उन्होंने चिल्ला चिल्ली किया अंदर में। स्पीकर जितना गुस्सा डेरेक ओब्रायन के ऊपर निकाल रहे थे, अगर वो उतना गुस्सा प्रतीक के ऊपर निकालते तो उसको सस्पेंड, देखिए इंक्वायरी के बाद प्रतीक को आप वापस ले आते। आपने महुआ मोहित्रा को सस्पेंड किया लॉगिन आईडी पासवर्ड के वजह से, आपने डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया कि आप पार्लियामेंट में रक्कस कर रहे थे। अरे भैया, वो देश की आवाज़ उठा रहे थे, कोई तो बंदा कल निकला कि देश की आवाज़ उठा रहा था, तृणमूल कांग्रेस देश के सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रही थी, स्पीकर से जवाब मांग रही थी, स्पीकर तैश में आके सस्पेंड कर दिया। आप अन्याय समझ रहे हैं कि जिसने पार्लियामेंट के अटैक के लिए एक्सेस दिया, जिसने परमिशन दिया कि जाओ पार्लियामेंट में जाओ, वो सस्पेंड नहीं हुआ है, बट जिसने ये सवाल पूछा, हाँ वो सस्पेंड हो गया। आप गहराई को आप समझिए, कितनी बड़ी साजिश है। और इस पूरे अटैक को क्या कहा गया, पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट के दौरान चार लोग गिरफ्तार हुए, हाँ, और इनको हिरासत में ली गई, इन्वेस्टिगेशन चलेगा। इसमें कोई मुसलमान नहीं था इसलिए शायद, अगर कोई सिख होता, पगड़ी पहना वो अपना उनकी जो शान होती है, अगर वो टर्बन पहन के अगर सिख होता, अगर कोई मुसलमान होता और उसके नाम अमोल शिंदे जो महाराष्ट्र से थे, नीलम जो हरियाणा से थी, अगर ये नीलम के बदली कोई नवेद होती या अमजद होता या गुल खान होता, तो आप समझ रहे हैं आज क्या होता। आज उस पार्लियामेंट में एक ही चीज़ बार बार दोहराया जाता, उसकी क्लिपिंग आती, क्लिपिंग के बाद ये दिखाया जाता कि कहीं ना कहीं आप लश्करे तौयबा से कनेक्टेड है, है ना, ये सारी क्लिपिंग में सिर्फ यही बात होती कि चार आतंकवादी पार्लियामेंट के अंदर पकड़े गए। अगर सिख होता तो खालिस्तान की एंगल दी जाती, मुसलमान होता तो लश्करे तौयबा की एंगल दी जाती। मेरा कोई भी, मेरे सारे भाई हैं, 150 करोड़ की जो आबादी, वो हम सब के भाई हैं, मगर मैं आज नॉन मुस्लिम्स
हमारे हिंदू हिंदी बेल्ट वाले जो भाई, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि तौसीफ रहमान जो ये बोल रहा है, आप अपने दिल में हाथ रख के बोलिएगा। मैं आपसे विनती करके पूछ रहा हूँ, छोटा सा जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं गाली सुनने को तैयार हूँ। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि मैं गलत बात करता हूँ, मैं तैश में आने वाली बात करता हूँ, मैं आग लगाने वाली बात करता हूँ, पर मैं आपसे आपके हवाले से पूछना चाह रहा हूँ, 150 करोड़ की आबादी से पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये 4 मुसलमान होते, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या होता। अच्छा एक बात बताइए, क्या होता, ये एंगल कहाँ जाता? ये कहाँ जाता? उसामा बिन लादिन के खानदान, अफगानिस्तान के लोग, पाकिस्तान के चोर। मुझे पाकिस्तान मेरी जूती में, अफगानिस्तान मेरी जूती से, कौन है ये लोग? हमने इस देश को चुना था, हमारे ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप बाहर के लोग हैं। सिक्योरिटी लैब्स कहाँ हुई, मैं आपको बता रहा हूँ, सिक्योरिटी लैब्स इन 4 लोगों की वजह से नहीं हुई। सिक्योरिटी लैब्स तब होती कि अगर कोई दाढ़ी वाला दिखता। सिक्योरिटी लैब्स भारत में तब होती है जब कोई बकरी का गोश्त खाता है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तुम गाय का गोश्त खाए हो। सिक्योरिटी लैब्स आपके कुर्ते पजामा से होता है। सिक्योरिटी लैब्स बाहर में जुमे की नमाज़ पढ़ने वक्त जब रास्ते में लोग आ जाते हैं तब सिक्योरिटी लैब्स होता है, मगर पार्लियामेंट में जब अटैक होता है वो सिक्योरिटी लैब्स नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है चूक हुई है, भूल हुआ है। और बीजेपी कितनी अच्छी बात की है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब 2024 में बीजेपी आपसे वोट मांगने आएगी, आप उनसे पूछिएगा, क्योंकि उन्होंने ये रिटर्न में लिखा है कि ये जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ है इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, पार्लियामेंट की अपनी एक सेक्रेटरीट सिक्योरिटी होती है, वो उनके जिम्मा में। तो आप याद रखिएगा, जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, पीयूष गोयल, ये जितने लोग जब आपके पास आएंगे, आप इनसे पूछिएगा कि हम आपको जब वोट देंगे तो आप ये भी बता दीजिएगा किस किस डिपार्टमेंट में आप हमें बचा सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट के बाद अगर एयरपोर्ट में कल ब्लास्ट हो या कहीं पर भी हो, खुदा ना खास्ता, तो बीजेपी ये आके ना कहे भैया ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कुछ अलग सिक्योरिटी के हाथ में है, ये जो हुआ ये हमारे हाथ में नहीं था, ये किसी और डिपार्टमेंट के हाथ में था। मगर हम और आप जब इस देश में रह रहे हैं, प्रधानमंत्री अकेला राम मंदिर बनाने के लिए नहीं पैदा हुआ, पीयूष गोयल सिर्फ ट्रेन चलाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, नड्डा सिर्फ भाजपा चलाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, नरेंद्र मोदी मेरे और आपके प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह मेरे और आपके होम मिनिस्टर हैं, नड्डा भाजपा के हो सकते हैं मगर जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्योंकि भाजपा सरकार चला रही है, वायनाड में बैठा राहुल गांधी सरकार नहीं चला रहा है। एक बात, प्रताप सिम्हा अगर कांग्रेस से, तृणमूल कांग्रेस से या किसी भी विपक्षी दल से होता, फांसी की सजा दे दी जाती है, अभी 24 घंटे के अंदर उनको सरेआम फांसी में चला दिया जाता, उनके ऊपर रियाडा फाडा टाडा चाडा राडा सब लग जाता उनकी। अब देखिए ना, एक फोटो के वजह से कहा जा रहा है कि तापस राय ने प्लान किया, एक फोटो जो ऐसे गर्दन लगा के वो लड़का खड़ा दिख भी नहीं रहा है, दिख भी नहीं रहा है। अब वो भगवान ही जानता है, अल्लाह ही हाल जानता है कि वो फोटो मॉर्च किया हुआ है, मॉर्फ किया हुआ, क्या किया हुआ, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप ये फोटो दिखाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जब ये इंटरव्यू चलाइएगा आप वो फोटो दिखाइए, क्योंकि आपको, आप लोगों को डिसाइड करना है वो फोटो किस तरीके से, क्या कोई भी एंगल से लग रहा है कि तापस राय बहुत इंटरेस्टेड थे उसके साथ फोटो उठाने में, या वो सच में असली फोटो है। हाँ, और इन्वेस्टिगेशन की बात है, दुनिया में जब 150 करोड़ की बात आती है मुल्क में, तब कोई नहीं बचेगा, ना तौसीफ रहमान बचेगा, ना तापस राय बचेगा, ना प्रतीक बचेगा, जो आप सामने तो लाइए। आपने महुआ मित्रा को, डेरिक ओब्रायन को तत्कालीन तौर पे इमरजेंसी में सस्पेंड कर दिया, आप, मुझे बात समझ में नहीं आ रहा, मेरे पेट में अजीब सी हो रही है, आपने प्रतीक को सस्पेंड कैसे नहीं किया? ये तो एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से अगर आप किसी को भी वो एक्सेस पार्लियामेंट के लिए दे रहे हैं तो जांच पड़ताछ करके देनी चाहिए भाई। आपका भाई हो, ममेरा भाई हो, चचेरा भाई हो, पड़ोसी हो, कॉन्स्टिट्यूट जो भी हो, उनको आपको पता होना चाहिए आपने किसको दिया। पार्लियामेंट है, डेमोक्रेसी का मंदिर है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला निष्पक्ष है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरे लोकसभा के तमाम सदस्य को लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि जिनको सस्पेंड किया गया उनको जरूरी था सस्पेंड करना। देखिए, लोकसभा के स्पीकर हैं, हाथ जोड़कर मैं विनती कर माफी मांग कर मैं कह रहा हूं, सर आप गलत कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऊपर में भगवान बैठा, आप याद रखिएगा, हिटलर भी चला गया, सिकंदर भी चला गया, जो जो लोग थे, बाबर भी चला गया, जिसने अपने ऊपर गुरूर किया, अपने ऊपर प्राउडीनेस लाया, अपने ऊपर एयर लाया, अपने ऊपर घमंड लाया, वो मिट्टी में मिल चुका है। सर आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप स्पीकर हैं पार्लियामेंट के ऊपर, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है 150 करोड़ लोग की, आप ऐसे मत करिए। रजा, इंटरव्यू यहीं ख़त्म करना है, एक ही बात बोलूँगा, 150 करोड़ की आबादी स्टेक में है, हम बहुत खतरे में हैं और बहुत ज़्यादा ही खतरे में हैं, क्योंकि जिस पार्लियामेंट में लोग वोट मांग कर जाते हैं, 1000 करोड़ खर्चा होकर जाता है, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो मुझे नहीं लगता आप और हम सुरक्षित हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर का माहौल है, पूरे देश भर में जो लगातार 13 तारीख के बाद जो एक अलग माहौल बना, उसने एक अलग तरह की दिशा जो है दशा पैदा कर दी। तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जो है छोटे से फोटो को लेकर, एक ऐसे फोटो जिनका हकीकत से कितना वास्ता है वो बाद में तय होगा, उस फोटो को लेकर भाजपा ने पूरा तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा दिया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के लीडरों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप साबित कीजिए, जो फैसला होगा, जो सजा होगी वो हम तय करें। मगर सवाल ये है कि प्रताप सिंह अभी तक जो है सस्पेंड क्यों नहीं हुए। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।